ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, ये झारखंड से बाहर निकलने का द्वार है। Hello guys, I am Gaurav Hansda and I welcome you to my YouTube channel. ये जो सड़क पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ये हम लोगों को ले जाएगा झारखंड से बाहर। अब झारखंड से बाहर हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं कुछ देर में आपको। तो ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, ये झारखंड से बाहर निकलने का द्वार है। और इस नदी के उस पार वेस्ट बंगाल का एरिया शुरू हो जाता है। चर्च है यहाँ, नया चर्च बेल लगा है और नया बेल टावर भी बना है, और इन दोनों चीज़ों का आज इनॉग्रेशन है, तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। Thank you.
बिहार से जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, चाहे आगरा, अनारा, रांची या कोटा या और कहीं से भी हो, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग का फोर्डर मंडली में आज पधारे हैं, उपस्थिति दिए हैं अपना, उसके लिए हमारा गुर्जर मंडली की तरफ से आप सबों को स्वागत करता हूँ तथा पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय आज अब हम लोग का गुर्जर मंडली में आप लोग दिए हैं, धन्यवाद। और जब सर्च का बिल जब हम लोग लगाते हैं अवश्य करके यह एक तैयारी का संकेत लोगों को देता है कि आज रविवार का दिन है और हम तैयारी मन के साथ परमेश्वर के भवन में हम उपस्थित हो, परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करें, उसके वचन की संगति को हम प्राप्त करें। और इसलिए यह न सिर्फ यहाँ पर बजता है लेकिन बजने के साथ हम हर एक के मन और हृदय को भी खोलता है, हमारे पांव को वह ले चलता है कि हम पवित्र भवन की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। और इसलिए इस बिल और बेल टावर का जब निर्माण किए हैं और करके इसके द्वारा से हम सभी को ही अपने जीवन को हम तैयार करें। ये वचन के द्वारा से नए कलिसिया का बुलाया और दिन प्राप्त होकर के इस बेल टावर को और इस यहाँ पर जो घंटी लक्ष्मी है इस सबों को नए कलिसिया का बुलाया और नियम प्राप्त होकर के प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से काफी इस पानी को भी प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सत्कार करता हूँ। आमीन। इस समय हमारे बीच में उपस्थित है हमारे आज के मुख्य अतिथि, इनसे निवेदन करेंगे कि पिता काट करके इसका द्वार को खोले। और यहाँ पर जो छठा हुआ है इसको विधेय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से खोलता है। आमीन। सबों को यीशु सहायक।
हम लोग एक गीत गाते हुए जाएंगे और जो चौकीदार है घंटी को भी बजाते रहने के। आइए पादरी सब जहां जहां सचमुच आज बहुत ही खुशी का दिन इसलिए है कि हम लोग एक साथ इकट्ठे हो पाए हैं महिमा परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा मौसम को भी कंट्रोल में रखा। कल बारिश हुई है, यहाँ भी रांची में भी हुआ था, और आज वेदर कंट्रोल में है, नहीं तो इतनी गर्मी के बीच हमारा बैठना असंभव सा था, और इसके लिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और सचमुच आज एक अवसर है एक बेल का संस्कार करने का, लेकिन इस बहाने हम लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, है ना। और सचमुच आज हम लोग रांची से यहाँ आए हैं और अगल बगल बहुत जगह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए नहीं कि बेल का एक उद्घाटन है, इसलिए परमेश्वर ये प्रबंध करता है, एक बहाना देता है, एक अवसर देता है कि हम लोग अपने पापों से प्रायश्चित करें, उसके समीप आए और उसके आशीषों को लें। और इस गांव के बारे में खास बात यह है कि इस गांव में मेरी मम्मी का नानी घर है। घर जा रहे हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।